कैसे हो आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने फैमिली के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 14 में है। तो मेरे को ना अपना लाइब्रेरी कार्ड जो मेरे पास पीयू का है उसको ना रिन्यू करवाना था, क्योंकि जो पीयू है वो 2 साल से बंद पड़ा था कोविड करके। तो फाइनली अभी कुछ दिन पहले ही खुला है, तो मैंने सोचा कि अपना लाइब्रेरी कार्ड रिन्यू करवाता हूँ, क्योंकि मुझे बुक वगैरह भी इशू करवानी है वहाँ से। तो अभी मैं वही जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए पीयू का एक कैंपस टूर लेके आया जाए, मतलब पीयू के अंडर का, मतलब अंदर का पूरा व्यू आपको दिखाऊं कैसे है अंदर से, क्योंकि पीयू को तो आपने बाहर से बहुत बार देखा होगा, जो मतलब चंडीगढ़ के है या मोहाली के उन्होंने तो ऑलमोस्ट अंदर भी गए होंगे, क्योंकि जाना अलाउड है तो उन्होंने तो देखा होगा। लेकिन जो मेरी वीडियो बाहर के लोग देखते हैं, जो कि आउट ऑफ चंडीगढ़ या पंजाब हरियाणा जहाँ के भी लोग देखते हैं, उन्होंने मतलब पीयू के अंडर का व्यू नहीं देखा होगा। तो मैंने सोचा कि उनके लिए क्यों ना एक कैंपस टूर लेके आया जाए, क्योंकि पीयू जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत मतलब अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो चलिए आज आपको इसके पीयू का पूरा व्यू दिखाते हैं अंदर से कैसे दिखता है। तो चलिए चलते हैं। Thank you.
तो ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसका निर्माण हुआ था 1 अक्टूबर 1947, यानी कि आज़ादी के कुछ दिनों बाद ही इसका निर्माण हुआ था, जो कि आप देख सकते हो ये जो अभी यूनिवर्सिटी प्रेजेंट स्ट्रक्चर है। लेकिन ये बहुत पुराना बिल्डिंग, मतलब पुरानी बिल्डिंग है, तो अभी कुछ कुछ बचे हुए हैं बट मोस्टली अभी मतलब रेनोवेट कर दिए गए हैं। और इस यूनिवर्सिटी में आपको मोस्टली हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, चाहे आपको ग्रेजुएशन करना चाहते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल, कुछ किसी भी फील्ड की पढ़ाई यहाँ पे होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि बच्चे फॉरेन से भी पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया, नाइजीरिया, घाना, युगांडा, ऐसे देशों से भी यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट निकालना पड़ता है। अगर किसी भी फील्ड में आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपको पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा एडमिशन के लिए।